एवं नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य सभी जो दलीय नेता हैं जिन्होंने रखा है उससे अपने आप को मैं सम्मत करता हूं। अध्यक्ष जी, जो पिछले सत्र में जब हम लोग यहां बैठते थे, जो हम लोगों के सदन के हिस्सा रहे स्वर्गीय श्री राहुल प्रकाश कोल जी, इस बार हम लोग बिना उनके उपस्थिति में यहां बैठ रहे हैं, क्योंकि 2 फरवरी 2023 को उनका मुंबई के कैंसर अस्पताल में निधन हो गया। कैंसर से पीड़ित थे। अध्यक्ष जी, ये एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत ही अपने आप में सामाजिक कार्य करने वाले और एक राजनीतिक परिवार से आते थे। इनके पिता श्री पकौड़ी लाल कोल जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे और आज अपना दल एस से सोनभद्र से माननीय सांसद भी हैं। अध्यक्ष जी, इनके राजनीतिक परिवार का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि श्री राहुल प्रकाश कोल जी की जो धर्मपत्नी हैं वो भी एक जिला पंचायत सदस्य हैं, सदस्य के रूप में काम कर रही हैं, और इनके जो भाई हैं जय प्रकाश कोल जी, वो पटेरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं। इससे इनके लोकप्रियता का, इस परिवार के लोकप्रियता का समाज में, राजनीति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा है लोगों के बीच में। अध्यक्ष जी, क्योंकि आज हम उनके बीच हमारे नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। अध्यक्ष जी, इसी तरह से हमारे पूर्व माननीय सदस्यगण में स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी के साथ 15 अन्य माननीय पूर्व सदस्य जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जिनका निधन हो गया है, मैं उनके निधन के लिए भी जो हमारे पूर्व दलीय नेतागण अपनी बात रखते हैं उसे मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। अध्यक्ष जी, इसमें क्योंकि हम लोग उनके सदन का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन जैसा हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी के बारे में, वो 3 बार इस पीठ की शोभा भी बढ़ाए हैं और 3-3 प्रदेशों के वो महामहिम राज्यपाल भी रहे हैं। क्योंकि वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और चौधरी चरण सिंह, सुब्रह्मण्य स्वामी जी का, राज नारायण जी का, एच एन बहुगुणा जी का, कल्याण सिंह जैसे दिग्गजों के ऐसे वकील, मतलब वो वकील भी रहे हैं, एडवोकेट भी रहे हैं इनके, क्योंकि वो इलेक्शन पिटीशन के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और जब कभी भी ऐसी स्थिति आती थी तो चाहे भारत का कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, उनको एंगेज करने की कोशिश करता था। निश्चित रूप से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 1977 से 1980 तक झूसी विधानसभा से, वो विधायक जनता पार्टी से रहे, लेकिन 1980 में वह भाजपा ज्वाइन किए और उसके बाद मैंने सब मिला करके 6 बार लगभग वो विधायक भी रहे। अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हमारी शोक संवेदना स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी के साथ अन्य 15 जो हमारे पूर्व सदस्य जो नहीं हैं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।